ये जब पाकिस्तान बना, जैसे मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल मरहूम ने चार मजामीन इसके ऊपर लिखे कि ये सिर्फ नजरियाती सरहदों का दुश्मन नहीं है, ये हमारी जुग्राफियाई सरहदों का भी दुश्मन है, ये पाकिस्तान का दुश्मन भी है। क्योंकि जब पाकिस्तान की आईन ने इसको गैर मुस्लिम करार दे दिया तो अपने आप को ये किस तरह मुसलमान कहते हैं। आज ये अपने आप को, ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। अगर आज भी कादियानी पाकिस्तान के आईन को मानता है तो माइनॉरिटीज़ के अंदर उनको हुकूक देने के लिए हमारा मुल्क है। लेकिन सबसे पहले तुम पाकिस्तान के आईन को तो मानो। तो खैर, ये जो इंडिया के पंजाब के गुरदासपुर का इलाका है, पठानकोट का इलाका है, बड़ी मेहनत और मुशक्कत कोशिशों के बाद, कादियानियों की साजिश के बाद ये इंडिया के अंदर रहे कि किसी तरीके से ये पाकिस्तान के अंदर हिस्सा ना आ जाए। जब पाकिस्तान बना तो इनके पेट के अंदर मड़ोर उठा कि ये किस तरह मुल्क बन गया है। और इनकी साजिश थी और पूरी कुव्वत थी इनकी कि हम पाकिस्तान को एक कादियानी स्टेट बनाएं और ये बलूचिस्तान का इलाका जो होगा ये हमारा दारुल हुकूमत बनेगा। ये तो कायदे मिलत इस्लामी हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये बुजुर्गान दीन की मेहनतें और मुशक्कतें थी। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे बुजुर्गान दीन न होते तो हमें खत्म नबूवत का ना पता होता, हमें कुछ भी ना मालूम होता। ये उनकी 13 दिन की मेहनत और मुशक्कत, वरना उससे पहले कई लोगों की जाने अल्लाह को प्यारी हुई, कई लोगों ने इस पर कुर्बानियाँ दी, ना मामला हल हो सका। अल्लाह ने हल करवाना था तो अल्लाह ने इन लोगों से हल कराना था। और ये ख़त्म नबूवत का मसला, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, ये ईमान का मसला है, ये फ़िरक़े वारियत की बात नहीं है, ये ईमान का मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने भी गज़वात होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तकरीबन 200 या 250 के करीब सहाबा की शहादतें हैं। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत आता है, एक मुसलमा कज़्ज़ाब खड़ा होता है जो नबूवत का मुद्दई होता है। एक औरत ने यमन में नबूवत का दावा किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने उनके खिलाफ जिहाद किया। ये फिरके वारियत की बात नहीं है, ये फंडामेंटलिस्ट के टेररिज्म की बात नहीं है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी इस तरह की बातें जो है ना ये टेररिज्म को फ़रोग देती हैं। ये हमारे ईमान का मसला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बदरी सहाबी है, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, सारे निकलें और इनके खिलाफ जिहाद करें। इस जंगे यमामा जिसको कहा जाता है, इस जंगे यमामा में 1200 सहाबी शहीद हुए। कितने? 1200। और इनमें 70 बड़े सहाबा वो थे जो कारी कुरान थे, जो मुदर्रिस थे, जो आलिम दीन थे। ये वही मौका है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को उसके बाद फिक्र लाहिक हो गई कि 70 हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को कि 70 सहाबा शहीद हो गए, अगर 2-4 जंगे इसी तरह और हो गईं तो कुरान किताबी सूरत में कैसे आएगा। इसी फिक्र के साथ वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आते हैं कि कुरान को किताबी सूरत में कोई इसका एहतमाम किया जाए, वरना जंगे अगर और इस तरह हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी इस पर फिक्र हुई। 1200 सहाबी शहीद होता है इस जंग यमामा, और ये सिर्फ किस वजह से हुई? तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के हवाले से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ये डाका डालने वाले लोग। तो चुनांचे ये बात जो मैं कर रहा था कि हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे दस्तावेज़ात जमा किए, पूरा एक ये रजिस्टर मिर्जा की गालियों का जमा हुआ और कहा गया कि सबसे पहले, इसलिए कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जो नबूवत का दावा करे अगर कोई बंदा उससे दलील मांगे तो वो भी काफिर हो जाता है। भाई नबूवत की दलील उससे कहां से मांगे? तो खैर, ये इन सारी चीजों को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप तारीख जब पढ़ते हैं तो आपके समझ में आता है कि ये खत्म नबूवत का मसला क्या है, खत्म नबूवत का तहफ्फुज क्या है। तो ये सारे दस्तावेजात जब जमा हुए तो सबसे पहले बात ही यही की गई कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन को सबसे पहले बंदे का पुत्र तो साबित कर दो,
इतनी गालियां जिसने दी हों, आया वो इंसान का बच्चा भी है या नहीं, आया वो एक शरीफ इंसान है भी कि नहीं। तुम सबसे पहले यही चीज बता दो कि वो बंदा भी था कि नहीं। और आज का काजियानी भी अगर आपके साथ कभी बात करने पर, ये कभी हजरत ईसा अलैहि सलाम के हवाले से बात करेगा या नबूवत के हवाले से बात करेगा, लेकिन मिर्जा की जुबान पर कभी भी आपके साथ वो मुनाजरा नहीं कर सकता। और मिर्जा की जो बकवास और गालियां जो लिखी हैं इसके ऊपर वो कभी भी आपके साथ बैठ के बात नहीं करेगा। उसको पता है कि मिर्जा क्या था।